नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। दिल्ली का निर्भया कांड तो आपको याद ही होगा, जिसमें एक लड़की के साथ आरोपियों ने इस हद तक दरिंदगी की कि देखने और सुनने वालों का कलेजा कांप उठा था। लड़के के जिस्म कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां आरोपियों की दहशत के निशान नहीं थे। अब उस वारदात के कई साल बाद ऐसा ही एक मामला राजस्थान के बांसवाड़ा से सामने आया है, जहां गैंगरेप के बाद एक छात्रा पर जानलेवा हमला किया गया। इस वारदात की कहानी सुनकर आपका दिल दहल उठ जाएगा। गांव में 5 मई की रात को एक घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, हल्दी की रस्म होनी थी, लिहाजा पास में रहने वाली वो लड़की अपने छोटे 2 भाइयों और पिता के साथ रात 8 बजे वहां पहुंची थी। शादी वाले घर में हल्दी की रस्में पूरी रीति रिवाज से पूरी की गई। FIR के मुताबिक इसके बाद वो लड़की अकेली रात के 2 बजे अपने घर की तरफ जाने लगी। तभी उसके घर से करीब 300 से 400 मीटर की दूरी पर पुलिया के पास 2 लड़के बाइक पर सवार होकर वहां पहुंचे और लड़की का रास्ता रोक लिया, जिनमें से एक लड़के को पहचानती भी थी। उस लड़के ने लड़की से कहा कि वो उसके साथ शादी क्यों नहीं करती, जिस पर लड़की ने जवाब देते हुए कहा अभी वो पढ़ रही है और उसे शादी से इनकार कर दिया। FIR के मुताबिक इसके बाद उन दोनों लड़कों ने जबरन लड़की को पकड़ लिया और उसके साथ बारी बारी से बलात्कार किया। लड़कों का इरादा लड़की को यूं ही छोड़ना नहीं था। इसके बाद एक लड़के ने तलवार से लड़की पर हमला करना चाहा, लेकिन किसी तरह से वो लड़की वहां से भाग निकली। अब लड़की आगे भाग रही थी और दोनों आरोपी उसका पीछा कर रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद वो लड़की अंधेरे में एक गड्ढे में जा गिरती है। तभी दोनों आरोपी भी वहां पहुंचे और तलवार से लड़की पर वार किया। लड़की ने खुद को बचाने के लिए हाथ सिर के ऊपर किए तो उसकी हथेली कट गई और दाहिने हाथ की 2 उंगलियां और अंगूठा भी कटकर अलग हो गया। वो खून से लहूलुहान हो गई, लेकिन हमलावर तब तक नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने लड़की के सिर पर भी तलवार से वार किया और उसका सर जख्मी हो गया। वो दर्द से तड़प रही थी, लहूलुहान थी, मदद के लिए चीखती पुकारती रही। वारदात को अंजाम देकर दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। इसके बाद किसी ने लहूलुहान लड़की को देखकर गांव वालों को इसके चलते जानकारी दी। तब लड़की ने परिवार वालों को अपनी आपबीती सुनाई और फिर उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी गंभीर हालत को देखते उसे उदयपुर के लिए भेज दिया गया। राजकीय MB चिकित्सालय में अभी उसका इलाज चल रहा है। वो मौत से जूझ रही है। वारदात की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई। पुलिस ने लड़की का मेडिकल कराने के बाद धारा 164 के तहत उसके बयान भी दर्ज करा दिए। इलाके के DSP ने जानकारी देते हुए बताया कि एक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी की शिनाख्त कालू राम के तौर पर की गई। वो BSTC द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत है, जबकि 19 साल की पीड़िता BA प्रथम वर्ष की एक छात्रा है। पीड़िता और आरोपी कालूराम एक दूसरे को पिछले 5 सालों से जानते थे। आरोपी पीड़िता से शादी करना चाहता था, लेकिन पीड़िता के परिवार वाले शादी से इनकार कर रहे थे। कुछ दिन पहले भी पीड़िता ने उसे शादी करने से इनकार कर दिया था, जिस पर आरोपी कालूराम पीड़िता के गांव पहुंचा और उसे मिलने के लिए बुलाया और इसी दौरान उसके साथ जबरन बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या करने की नियत से उस पर तलवार से ताबड़तोड़ वार किए। इस दिल दहला देने वाली वारदात के सिलसिले में पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर जिले के थाना दानपुर में IPC की धारा 341, 307, 376 डी और 34 के तहत मुकदमा अपराध संख्या दर्ज की। इस मामले की जांच पुलिस उप अधीक्षक सूरवीर सिंह राठौर के नेतृत्व में की जा रही है। पूरे मामले की गंभीरता को देखें तो बांसवाड़ा के पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल खुद इस मामले की निगरानी कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि ये दरिंदगी आखिर कब रुकेगी? एक लड़की जो पढ़ना चाहती है,
उसने शादी के लिए इनकार किया तो आरोपियों ने उसका बलात्कार किया और बारी बारी से बलात्कार किया। यही नहीं रुके, इसके बाद उसको जान से मारने की नियत से लगातार तलवारों से उसको लहूलुहान कर दिया। गली में रही कि बच्ची अभी जिंदगी और मौत से अस्पताल में जूझ रही है। पुलिस जो है वो लगातार इस मामले को देखती आ रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि महिलाओं पे इस तरह के अपराध आखिर कब तक होंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।